नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप पलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी चीज़ें, क्योंकि हम डेली अच्छी प्यारी चीज़ें पढ़ते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, आज हम समझेंगे भी महान्यायवादी क्या होता है। देखो, ज़्यादा टाइम तो आप खराब करते ही नहीं, आपको पता ही है। बहुत आराम से जितना टाइम पढ़ाई पे, फालतू चीज़ें नहीं, है ना। वीडियो पूरी देखते हो तो कमेंट भी कर दिया करो, आपका भी फर्ज बनता है कुछ ना कुछ। हम भी कितनी लगातार वीडियो डाल रहे हैं यार, लाइक शेयर जाए भाड़ में। ठीक है, कमेंट तो करके बता दिया करो, अच्छा चल रहा है या सही चल रहा है, नहीं चल रहा, कम से कम कोई राय दे दिया करो भाई। हमें क्या पता चलेगा, हम हर कोई अच्छा ही पढ़ाने की कोशिश करता है, अपना 100% देता है, उसे थोड़ी पता होता है वो अच्छा पढ़ा रहा है या बुरा पढ़ा रहा है। बता दिया करो यार, क्या यार। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे महान्यायवादी। पॉलिटी के अंदर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बहुत मस्त भाई। नोट्स बना लो, किताब में कई छान लेना, एक जगह इकट्ठा नहीं मिलेगा, और इतना अच्छे से समझाया भी हुआ नहीं मिलेगा जल्दी से। ठीक है ना, आधी चीज़ें छोड़ दी जाती है क्योंकि आपको पसंद नहीं आती, लेकिन आप सारी करवाते हैं जो एग्ज़ाम में आती है, बस अपने को एग्ज़ाम से मतलब है। आज हम पढ़ने वाले हैं महान्यायवादी। देखो कितने महान्यायवादी, अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो ना तो पीछे जाके देख लेना, आर्टिकल 76 तक पहुंच गए हम। ठीक है, 75 तक, 74-75 में मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री जो हमारे थे उनके बारे में हमने जिक्र किया था। उससे पहले हमने किसका जिक्र किया था, आपने देखा होगा। ठीक है, उससे पहले किसका जिक्र किया था, आपने देखा होगा। उससे पहले किसका जिक्र किया था, आपकी वीडियो होगी। ठीक है, अनुच्छेद 1 से स्टार्ट हुए थे और हम कितने तक आ गए हैं, 76 तक पढ़ते पढ़ते आ गए हैं। यानी उस सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं जिस सीक्वेंस से हमारा अनुच्छेद या आर्टिकल या संविधान लिखे गए हैं। ठीक है, इससे आगे हमारा जो होगा वो क्या होगा, संसद होगा, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ भी नहीं है, समझोगे आप तो बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, अगर समझना चाहोगे तो। ठीक, नाम से पता चल रहा है महान्यायवादी, यानी महान्याय यानी सरकार को न्याय दिलाने वाला वकील है ना, महान्यायवादी कहलाता है। महान्याय यानी महा का मतलब हमारे शरीर, सरकार सबसे बड़ी क्या है, केंद्र सरकार, सेंट्रल सरकार होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको भी जो न्याय दिला दे ना, जिसको भी न्याय दिला दे उसको महान्यायवादी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है ना, तो ये होता क्या है जी, तो आर्टिकल 76 के अंदर क्या दिया गया है, महान्यायवादी का पद दिया हुआ है। यानी जो पद का जिक्र है वो 76 के अंदर याद रखना है हमें, 76 बहुत बार पूछा जाता है इसलिए ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है ना, तो महान्यायवादी का जिक्र किस पद में है, तो 76 पद में। कौन से पद महान्यायवादियों का पद का जिक्र कौन से आर्टिकल में, 76 में। और ये महान्यायवादी जो होता है, होता कौन है जी, तो महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील होता है, केंद्र सरकार का वकील होता है। ठीक है, या कह सकते हो भारत सरकार का प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कानून का अधिकारी, विधि लॉ ऑफिसर अधिकारी होता है। क्वेश्चन कहीं से पूछे जा सकते हैं, महान्यायवादी क्या है, तो केंद्र सरकार का वकील जो होता है ना, केंद्र सरकार के जो पैरवी करता है, केंद्र सरकार है उसके केस को लड़ता है, केंद्र सरकार के लिए कोर्ट में खड़ा होता है, केंद्र सरकार के लिए संसद में बोलता है, यानी केंद्र सरकार के लिए जो काम करता है, एक कानून का एक ज्ञाता, बहुत ज़्यादा कानून के जानने वाला। ठीक है ना, कानून के दायरे में रह के सरकार किस प्रकार काम कर सकती है, इसलिए एक क्या चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा एक नियुक्त किया जाता है, किसको, महान्यायवादी को, ताकि वो भारत सरकार की पैरवी कर सके, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी हो। ठीक है ना, महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील ही है, जैसे आप
आपके कोई केस हो गया मान लो और आप कोर्ट में जाते हो, तो जज के सामने खड़े होने के लिए आप तो फेस नहीं कर सकते क्योंकि आप कानून के ज्ञाता नहीं हो, आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो आप क्या करते हो, एक वकील करते हो। उसी प्रकार केंद्र सरकार भी एक वकील करती है, उस वकील को महान्यायवादी कहा जाता है, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाता है, महान्यायवादी कहा जाता है। महान्यायवादी बनने के लिए, और ये बात मैं बता देता हूँ, नोट करके लिख लेना, संसद का सदस्य नहीं होता ये, ठीक है ना, सोचते हो भी सदस्य हो वही सरकार के, संसद का सदस्य नहीं होता, मैं इनोसेंट से समझ लेता हूँ आपको, छोटी छोटी बातें भी बता देता हूँ यार, संसद का सदस्य नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। योग्यता क्या चाहिए जी, बन कौन सकता है, कौन सा बंदा योग्य है महान्यायवादी बनने के, कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य, इसकी योग्यता होनी चाहिए। अब कहोगे जी योग्यता तो फिर आपने बताई नहीं, भाई जितनी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए ना, वो ही क्वालिफिकेशन किसकी होनी चाहिए, महान्यायवादी की होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, महान्यायवादी की। आप कहो कैसे, बताओ जी, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है, हाँ जी, भारत का तो नागरिक हो, कौन हो भारत का नागरिक, महान्यायवादी होगा। दूसरा, 5 साल तक न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है, कितने न्यायाधीश के पद पे 5 वर्ष कार्य किया हो, या लिख रहा हूं मैं, दोनों में से एक होनी चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायालय में वकालत की हो, ठीक है। क्या बताया गया है, देखो भी जो महान्यायवादी ना हो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या होती है, वो इस पे लागू होती है, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है भी, वो कहीं ना कहीं न्यायाधीश हाईकोर्ट में, कम से कम हाईकोर्ट में क्या किया होना चाहिए, उसने 5 साल तक जज के रूप में कार्य किया हो, 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या 10 साल तक उसने वकालत की हो, 10 साल तक वकालत की है तो भी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का जो है ना उसके योग्य हो जाता है, अगर वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक वकालत करता है, या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक वो जज की चेयर पर बैठा है ना, बस मुख्य क्या कर सकता है, वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता जो है वो किसकी योग्यता है, महान्यायवादी की योग्यता है। बात कंप्लीट हुई। एक बात और याद रख लेना, इसे नहीं बन सकता, वो राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे जज नहीं बन सकते, वो महान्यायवादी नहीं चुना, जज बनने योग्य बहुत होते हैं, 10 साल तो वकालत बहुत लोगों ने की होती है, जज बना देंगे उसको, नहीं, महान्यायवादी बना देंगे, नहीं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सारे सेवन आते हैं, इसे ले लो काम आए, है ना, ठीक है। तो महान्यायवादी बनने के लिए राष्ट्रपति की नज़र में कानून जा, राष्ट्रपति की नज़र में भी नहीं जानता हो, प्रधानमंत्री का एक नंबर सिस्टम होना चाहिए वहाँ, ना प्रधानमंत्री बता देगा इस बंदे को महान्यायवादी चुनना है, ये कानून का सही जानकार लग रहा है मेरे को, तो उसकी सलाह से सुनता है भाई राष्ट्रपति
उनकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से क्या करता है, क्योंकि केंद्र सरकार है, सरकार रियल में है किसकी, प्रधानमंत्री की तो सरकार है ना, नाम मात्र का शासक है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के तो नाम पे काम होते हैं सारे के सारे बस, ठीक है ना। तो उधर से राष्ट्रपति को कहेंगे प्रधानमंत्री जी हाँ ये करो, बस राष्ट्रपति गए हाँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ, ठीक है वही है, क्योंकि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता होना चाहिए। तो ये हो गई उनकी योग्यता जी, बात क्लियर हुई। तो नियुक्ति कौन करता है जी, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त होता है, चुना नहीं जाता, नियुक्त होता है। अब ये योग्यता जिसके पास है तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी महानायवादी बना सकता है, जिसकी योग्यता हो, ये योग्यता हो, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता, वो भी सोचता है भाई प्रधानमंत्री के कहने पे बनाएगा, है ना, केंद्र सरकार की पैरवी करवानी है, कर कुछ कल को दिक्कत हो जाए, सरकार कोई मतलब विवाद में फंस जाए और बंदा महान्यायवादी को कोर्ट में जाके खड़ा कर दिया, बोल ही नहीं पाए, ठीक है ना, तो फिर फायदा क्या है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है ऐसे व्यक्ति को जो क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हो, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल कुछ नहीं होता भैया इसका, कार्यकाल कोई नहीं होता, कार्यकाल किस पे निर्भर करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद कर लेना भी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब चाहे इसको उठा सकता है, जब चाहे इसको बुला सकता है, ठीक है ना, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 5, हो सकता है 6 साल, भी अगले राष्ट्रपति को भी पसंद आ जाए 6 साल 7 साल 10 साल, कोई इसका लफड़ा नहीं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के पर निर्भर करता है इसका कार्यकाल भी कितना होगा, अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है, मान लो ठीक है ना, ढंग से काम नहीं कर रहा है, महान्यायवादी है, अच्छी सलाह नहीं दे रहा है, सलाहकार के रूप में भी तो काम करता है ये, ठीक है ना, केंद्र सरकार को सलाहकार के रूप में कानूनों की सलाह देता है ना, भी इस प्रकार से ये काम होगा तो आप कानून के दायरे में आ जाएंगे, संविधान का अच्छा जानकार होता है ना, तो ये कहेंगे भी संविधान जो है उसको मतलब अवहेलना होगी, ये कार्य हमें नहीं करना है, तो इस प्रकार की सलाह देते, सलाह सही से नहीं दे पा रहा है तो प्रधानमंत्री क्या कहता है, राष्ट्रपति हटाओ इसको, हटाओ हटाओ जल्दी करो, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति जी चाहे सब हटा सकता है इसको, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पद निर्भर करता है, राष्ट्रपति पे निर्भर करता है इसका कार्यकाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, दोनों बात हो गई, ठीक है। पद मुक्त कब माना जाता है, पद मुक्त कब माना जाता है, त्याग पत्र दे सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, त्याग पत्र दे सकता है ये, ठीक है ना, और इसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया भी जा, त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति सकता है। तो देखो सारी बातें मिलती जुलती है, लास्ट में याद कर लेंगे आप, राष्ट्रपति हटाया भी राष्ट्रपति, जी चाहे तब हटा सकता है, पदमुक्त कर सकता है, दूसरे अटॉर्नी जनरल को बुला सकता है, त्यागपत्र यानी इस्तीफा भी दे सकता है, अपने आप के हिसाब से भी हट सकता है, भी मैं नहीं करना चाहता बात कहता, ये लो इस्तीफा, मैं तो चला प्रदेश, ठीक है। तो ये त्यागपत्र दे के भी अपना पद मुक्त हो सकता है और हटाया भी जा सकता है, राष्ट्रपति कहे चल चल ठीक है अब आने दे तो भी हटाया जा सकता है, ठीक है। तो पद मुक्त, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल भी राष्ट्रपति में निर्भर है, हटाया भी राष्ट्रपति से के द्वारा जा सकता है, और त्यागपत्र भी क्या होता है ये राष्ट्रपति को देता है। लास्ट में 3 मिनट में ना इन चीज़ों को सब आप एकदम क्लियर कर देंगे मैं बिल्कुल खतरनाक तरीके से। अब आप कहो जी आपको हटाने की कोई संविधान के अंदर इसकी मूल प्रक्रिया नहीं है भी इस प्रकार से हटाया जाएगा, ये बात है, राष्ट्रपति के द्वारा ही कह दिया जाता है चल हवा ने दे, ठीक है इस्तीफा लेके चल, क्लियर है, ये हो गया। वेतन ये लेता ही नहीं है, है ना, तो वेतन भी इसके निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रपति
निर्धारित करता है। वेतन भत्ते भत्ते वगैरह मिलते हैं इसको, अलाउंस वगैरह जो है मिलते हैं, ठीक है। सुरक्षा संरक्षा गाड़ी वाड़ी सब कुछ मिलता है मतलब, ठीक है। और सैलरी राष्ट्रपति के हिसाब से, क्योंकि ये वकील है, वकील को काम के हिसाब से फीस दी जाती है, काम करता है उस हिसाब से फीस दी जाती है। हो सकता है काम के हिसाब से आपने भी देखा होगा, ठीक है। वेतन व भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो बात राष्ट्रपति पे अटकी है सारी कुछ, है ना। राष्ट्रपति वेतन पदमुक्त नियुक्ति, ठीक है। कार्य क्या करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा चुना गया, राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए सारे कानूनी कार्य, राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए कानूनी कार्य करता है। एक तो ये राष्ट्रपति द्वारा जो सौंपे जाते हैं वो कानूनी कार्य जो होते हैं सरकार की तरफ से, ये करता है, ठीक है। दूसरा कार्य है इसका केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार के वकील के रूप में काम करता है, ठीक है। केंद्र सरकार का वकील है तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश होता है। एक बात मैं समझा दूंगा, नोट्स बनाने में ज़रूरी है, होता है। हाँ, सरकार की तरफ से किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है, ठीक। इस प्रकार लिख सकते हो आप, समझना इस प्रकार से है। ये आपका अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, और ये न्यायालय है, ठीक है, और ये आपकी सरकार है। रास्ता न्यायालय की यहाँ से होके जाता है, ठीक है। यानी न्यायालय के अंदर सोच के देखो, पेश होना है और वकील चाहिए। अब केंद्र सरकार पे कोई केस हो गया, या उन्होंने कोई कानून की अवहेलना कर दी, या ऐसा कोई केस है जो केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ा जा रहा है, भी ये केंद्र सरकार ने डिसीजन गलत लिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई केस कर देता है राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ, ठीक है। किसी ने भी कर दिया, मान लो भी इस प्रकार से ये दिक्कत हो रही है, केंद्र सरकार ने गलत किया है, तो केंद्र सरकार नहीं बोलेगी वहाँ पे, प्रधानमंत्री जाके थोड़ी बोलेगा, राष्ट्रपति जाके थोड़ी बोलेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए लड़ता कौन है, केंद्र सरकार के वकील के रूप में कौन लड़ता है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी लड़ता है, ठीक है, महान्यायवादी लड़ता है, ठीक है। तो यानी वकील के रूप में, केंद्र सरकार के वकील के रूप में काम करता है राष्ट्रपति। ऐसे कार्य ही सौंपेगा जो कानून से रिलेटेड हो, यानी कानून का अच्छा जानकार है, ये बहुत अच्छे तरीके से कानून जानता है, संविधान को जानता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार के वकील के रूप में न्यायालय में खड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करता है ये, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय के अंदर भी अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई केस है तो वहाँ पर भी जाके भी ये क्या कर सकता है, सरकार के खिलाफ वकालत कर सकता है, सॉरी सरकार के पक्ष में वकालत करेगा, क्या करेगा, सरकार के पक्ष में सरकारी वकील के रूप में जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सरकार की तरफ से किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश होता है, केंद्र सरकार के वकील के रूप में कार्य करता है, बात तो एक ही है, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से लिखी गई है लेकिन आपसे पूछी जा सकती है अलग अलग तरीके से, तो आप ठीक है। सरकार की तरफ से किसी भी न्यायालय में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, किसी भी न्यायालय में जा सकता है, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये बात था, ये कार्य है इनके, कुछ भी कार्य नहीं, और किसी भी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 143 के
तहत ये पेश होता है, किसमें, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में, जो ये किस आर्टिकल के तहत केंद्र सरकार का वकील के रूप में पेश होता है, तो आर्टिकल 143, ठीक है ना। इसका मतलब तो आप अच्छी तरह जानते हो, बहुत महान व्यक्ति तो आपका उभर के आता है जब ये सुनते होता है ना। अधिकार भी है इनको, लास्ट एंड फाइनल और खत्म। क्या अधिकार है? महान्यायवादी को आर्टिकल 88 के अनुसार महान्यायवादी क्या कर सकता है, संसद में, संसद की किसी भी कार्रवाई में, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता, ठीक है ना। वोट कौन डाल सकता? आपके गांव में बाहर का आदमी आके वोट डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता ना। तो ये संसद का उस गांव का सदस्य है, वही वोट डाल सकता है ना, जो उस गांव में रहता है, जिस उस गांव की पहचान है, उसके पास उस गांव का पहचान पत्र है, उसी गांव का वोट बना हुआ है, वही डाल सकता है, या बाहर का डाल सकता है? बाहर का नहीं डाल सकता, यही तो है। आपके वार्ड में 2 नंबर वार्ड है, आपका 1 नंबर वार्ड है, तो 2 नंबर वार्ड वाला वोट डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता, ठीक है ना। तो यही कारण है ये वोट नहीं डाल सकता। बाहर वाला आदमी आपके गांव में आके, मतलब कोई बढ़िया बंदा है, तो फिर बोल सकता है, ठीक है ना, बोल तो सकता है, ये कार्रवाई में हिस्सा लेता है, बहस भी कर लेगा, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, संसद में जाके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महान्यायवादी क्या है? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ये संसद का सदस्य ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसने पूरी जम के बहस की कोई चीज़ पे, ठीक है। अब कहते हैं भाई वोट डालने का या मत देने की प्रक्रिया आ गई, भी कानून पास होगा या नहीं होगा, विधेयक होगा, तो अटॉर्नी जनरल कहाँ चला जाता है? फिर बाहर चाय पीने चला जाता है, भी अपना काम खत्म हो गया। हम तो वोट कैसे डालेंगे, हम तो सदस्य ही नहीं है, हमें तो ये अधिकार ही नहीं है। तो उसको आर्टिकल 88 का, महान्यायवादी संसद में जाके बैठ सकता है, कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, बहस कर सकता है सरकार की ओर से, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। क्या नहीं डाल सकता? वोट नहीं डाल सकता बेचारा, ठीक है। तो ये 88 में ये भी है। अब देखो कुछ अच्छी अच्छी बातें, और एक मिनट में इस बात को क्लियर करते हैं जितना पढ़ा है हमने, जितना लिखा है, ठीक है। महान्यायवादी क्या है? एक बात और बताऊं, महान्यायवादी है ना, वो अपने नोट करके लिख लो, नोट, महान्यायवादी है ना, ये निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है अपनी, निजी प्रैक्टिस, मैं ऐसे ही लिखूंगा, प्रैक्टिस है ना, निजी प्रैक्टिस कर सकता है, ये बताऊंगा, समझाएंगे इस बात को। लेकिन महान्यायवादी सरकार के खिलाफ वकालत नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता, और सरकार के खिलाफ सलाह भी नहीं दे सकता, सलाह भी नहीं दे सकता, ठीक है। यानी जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, वो अपना निजी केस भी ले सकता है। जैसे अटॉर्नी जनरल के पास आप चले जाते हो, भी मेरा इस प्रकार से केस है, और ये केस आपको किसके, आपको मेरे वकील के रूप में लड़ना है सुप्रीम कोर्ट में, तो वकील क्या करेगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा वकील भी है ना, ठीक है, तो आपका केस भी ले सकता है वो, इसीलिए तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा मनमर्जी की सैलरी दी जाती है। वो ज़्यादा और के केस लेने स्टार्ट कर देता है तो उसको सैलरी कम देते देते मान लो, ठीक है, पर ऐसा करता नहीं है वो, एक बार सरकार के साथ हो गया, दूसरों के साथ नहीं होता, लेकिन ले सकता है, वो निजी केस भी ले सकता है। जैसे मेरे पे कोई केस हो गया, मैं सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहता हूँ, मेरे को वही वकील पसंद है, क्या है, मेरे को महान्यायवादी वही पसंद है, एक सेकंड, तो मैं उसके खिलाफ, ठीक है, तो जो
सरकार के खिलाफ वकालत नहीं कर सकता। भी आपका केस तो ले लेगा लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं ले सकता, वो सरकार के खिलाफ वो नहीं ले सकता। और दूसरी बात, वो नए सरकार के खिलाफ किसी को सलाह दे सकता है, यानी मेरा केस भी लड़ सकता है, वो सरकार की तरफ से लड़ सकता है लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकता। समझ में आ रही है ना बात? तो निजी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब क्या, डॉक्टर भी प्रैक्टिस ही करते रहते हैं और ये जो वकील हैं ये सारी उम्र प्रैक्टिस ही करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, एडवोकेट जो है प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ क्योंकि वो कभी नहीं पूरा जान सकते कोई चीज़ को, ठीक है ना, पूरा नहीं जान सकते, पता नहीं किस प्रकार का केस आ जाए आज तक उन्होंने, ठीक है ना, आज तक हो सकता है, ठीक है, तो आज तक हो सकता है केस लड़ा ही ना, ऐसा केस उन्होंने देखा ही नहीं हो तो केस के लिए करना पड़ेगा। हो सकता है अब की बार कोई और तरीके से मर्डर करा हुआ आ जाए, पीछे और मर्डर, चाकू से मर्डर किया था, इससे किया था, इससे किया था, अब की बार उंगली से मर्डर किया हुआ आ जाए मान लो, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको निजी प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस कहते हैं उसको, केस लड़ने को प्रैक्टिस ही कहते हैं ना, तो वो निजी प्रैक्टिस कर सकता है और सरकार के खिलाफ वकालतें नहीं कर सकता और ना ही वो सलाह दे सकता। ये तो बात हो गई, ठीक है। महान्यायवादी आपके भी केस ले सकता है, दूसरे किसी के भी केस ले सकता है, समझ में बात आई, ठीक है, लड़ सकता। तो महान्यायवादी क्या है, तो एक तो केंद्र सरकार का वकील है, क्या है, वकील है, किसका, केंद्र सरकार का। अब इस प्रथम, क्या ये प्रथम है, कानूनी अधिकारी है, किसका, केंद्र सरकार का, ठीक है ना, देखो सारा रिवीजन करते हैं, कानूनी अधिकारी है, महान्यायवादी से क्या क्या क्वेश्चन, ये कौन सा अधिकारी है, कानून, ठीक है, वकील है, प्रथम कानूनी अधिकारी है, दो बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य होना चाहिए, योग्यता क्या होती है इसकी, सुप्रीम कोर्ट का जज, यानी या तो इसने किसी 5 साल ये जज रहा हो और या इसने 10 साल तक वकालत की हो तब ये जाके महान्यायवादी बन सकता है। महान्यायवादी चुनने के लिए राष्ट्रपति नियुक्त करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति, नियुक्ति राष्ट्रपति, त्याग पत्र भी किसको देता है, राष्ट्रपति, सैलरी जो देता है, वेतन भी निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रपति, कार्यकाल भी किस पे निर्भर करता है, राष्ट्रपति, और कार्य सौंपता भी कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है, यानी नियुक्ति, त्यागपत्र, वेतन, कार्यकाल, कार्य, सारे के सारे किस पे निर्भर करते हैं, राष्ट्रपति पे निर्भर करते हैं। और वेतन, त्यागपत्र हटाया भी किसके द्वारा जा सकता है, नियुक्त करता वो हटा भी सकता है, ठीक है, जो जान देता है वो ले भी सकता है, यानी हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है, राष्ट्रपति, 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 ठीक है ना। कार्य क्या है, वकील के रूप में, केंद्र सरकार का वकील ही है और कुछ नहीं है, केंद्र सरकार का वकील है। वकील कहाँ पेश हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट किसकी तरफ से, केंद्र सरकार की, किसी भी न्यायालय में जा सकता है, किसी भी न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश होता है तो 143 अनुच्छेद के अनुसार, किसके अनुसार, 143 के अनुसार, ठीक है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा जब चाहे इसको हटाया जा सकता है, बात ये हुई, ठीक है। ये तो था यार महान्यायवादी, और आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 के तहत देखो, महान्यायवादी अकेला नहीं होता, अटॉर्नी जनरल के नीचे होते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, अकेला काम नहीं करता इतना, केंद्र सरकार का ही इतना अकेला काम नहीं संभाल सकता, और सॉलिसिटर के नीचे होते हैं एस एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है ना। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, सरकार को संभालते हैं, सरकार की तरफ से वकालत करते हैं और अपने मतलब सहायता करने के लिए, जिस प्रकार से हमारे मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, उसी प्रकार महान्यायवादी के नीचे सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, इनकी हाईकोर्ट के जज बनने की योग्यता जो होती है उसके हिसाब से सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं। तो याद रख लेना, ये हाईकोर्ट का जज बनने योग्य होना चाहिए, ये हाईकोर्ट के जज बनने योग्य होना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य होना चाहिए, ठीक है। तो सॉलिसिटर यहाँ तक नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको याद करना है, अकेला काम नहीं करता ये, इनके नीचे सॉलिसिटर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी काम करते हैं जो इसकी सहायता करते हैं। क्लियर हो गई बात ना, ठीक है। उसी प्रकार आर्टिकल 165 के तहत क्या है, 165 के तहत, ठीक है, 165 के तहत महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होता है महाअधिवक्ता। अधिवक्ता का मतलब क्या है, अधिवक्ता का मतलब होता है हिंदी में वकील, या अधिवक्ता का मतलब होता है एडवोकेट, ठीक है।
तो एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, यानी महाधिवक्ता किसका वकील भाई, राज्य का महान वकील। तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है, बस इतना याद कर लो। केंद्र सरकार का कौन होता है, तो ये होता है, ठीक है, केंद्र सरकार का महान्यायवादी होता है। तो महाधिवक्ता किसका होता है, महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, और राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पेश होता है, राज्य सरकार की तरफ से सारी चीज़ें वो करता है, ठीक है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, वहाँ पर राष्ट्रपति था, यहाँ पर राज्यपाल है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है, राज्यपाल पर निर्धारित करता है सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल रख देना, हाईकोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट की जगह हाईकोर्ट रख देना, बस, ठीक है। तो महाधिवक्ता ही, ठीक है। हमारे देश का पहला न्याय महान्यायवादी कौन थे पहले, तो वो थे एमसी सितलवाड़। कौन से थे पहले महान्यायवादी कौन थे, तो आपको याद कर लेना, एमसी सितलवाड़, ठीक है। तो पहले न्यायवादी थे हमारे एमसी सितलवाड़, और आज जो वर्तमान में है, वर्तमान में तो 30 जून, मतलब वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, इससे पिछले रोहतंगी थे ना, वेणुगोपाल। और ये कब बने थे, तो 30 जून 2017 से बने थे, ये देखो कितने दिन हो गया, अच्छा बढ़िया आदमी है सरकार के हिसाब से, तो बनाए रखेंगे ये। तो वे के वेणुगोपाल क्या है, वर्तमान के हमारे महान्यायवादी हैं, और पहले न्यायवादी कौन से, एम सी सितलवाड़, और इनसे रोहतंगी थे, इनसे पहले कौन से थे, रोहतंगी थे, उनको हटा दिया गया पीएम के द्वारा, और नया क्या किया गया, नियुक्त किया गया, ठीक है। पीएम नहीं हटाता, पीएम कहता है, राष्ट्रपति वो करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया गया और इनको क्या किया गया, नियुक्त किया गया 30 जून 2017 को इन्होंने शपथ ली, के वेणुगोपाल ने, क्लियर हुई बात, तो ये भी याद कर लेना। पूछ लिया, बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है महान्यायवादी कौन है, महान्यायवादी कौन है ना, आर्टिकल क्षेत्र में ही है, ठीक। आशा करता हूँ जो समझ आया वो समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो के अंदर कमेंट करके बताएं कैसा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आगे पढ़ाते रहेंगे, रेगुलर रहें, कोई दिक्कत नहीं। तो जय हिंद, जय भारत, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।